Come on! Hurry up! Hurry up! That's good. Ventum? Boss, goli chala. Oh, shut up! Goli yaan khatam ho chuki hai. वेरी गुड वेरी गुड. शाबाश मिस्टर फेंटम, देश को तुम जैसे नौजवानों की जरूरत है. सर, इसमें शाबाशी की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज था, धर्म कर्म था, क्योंकि मैं उस देश का वासी हूँ जिस देश में गंगा बहती. मैं तो ये चाहूंगा कि इस देश का बच्चा बच्चा फेंटम की तरह तगड़ा और तंदुरुस्त हो ताकि वो अपने देश की रक्षा कर सके, जैसे कि ये फेंटम. फेंटम प्यार. वाह, मैं वहाँ क्लास में बैठी तुम्हारा इंतजार कर रही थी और तुम यहाँ ख्यालों में बैठे कॉमिक पढ़ रहे हो. आज आप जरूर फैंटम बने होंगे. क्यों? वो क्या है सीधा? डार्लिंग, वहाँ बॉक्सिंग टूर्नामेंट शुरू हो गई है, रंजीत सबकी पिटाई कर रहा होगा. कम ऑन, लेट्स गो. जाने हमारा बिल मेम साहब के अकाउंट में छुट्टा नहीं है. कम ऑन कम ऑन कम ऑन लेट्स गो. इसे कहते हैं स्टाइल, जो बहुत कम बॉक्सरों को मालूम है. ये स्टाइल है? हाँ. इधर से उधर उछल कूद कर रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे बॉक्सिंग नहीं कबड्डी खेल रहा है. अरे ये तो कमाल है. इसे कहते हैं पैंतरा पैंतरा. दरअसल मैं उसे थका रहा हूँ. थका रहा हूँ? हाँ. उछल कूद कर रहे हैं आप, थकेगा वो. बहुत अच्छा. अरे गोजी तू नहीं समझता राजा. हाँ. उसे खूब कस कस के मारना. अरे ये भी कोई कहने की बात है? ऐसी पिटाई करूंगा उसे फ्लैट कर दूंगा, देखती नहीं.
मुझे कैसे डर रहा। अरे बज गई घंटी, राजा संभाल के। शाबाश राजा, मार दे मार दे। अरे तू कर क्या रहा यार। कमो राजा, पीछे पीछे। अरे अरे राजा, अरे अरे रेफरी, रेफरी को नहीं। अरे मार दिया, रेफरी मर गया। अरे 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 घंटी बजा, हीरो। अरे नहीं रंजीत, नहीं अरे रंजीत, अबे अबे नहीं। अरे मर गया रे, लगी क्या। नहीं नहीं नहीं, तोड़ दूंगा तोड़ दूंगा, तुझसे दोस्ती के सारे रिश्ते आते तोड़ दूंगा, लेकिन आईडीन नहीं लगाऊंगा। अरे जोड़ दूंगा, सारे रिश्ते जोड़ दूंगा, लेकिन आईडीन जरूर लगाऊंगा। अबे आईडीन में मिर्ची डाल के लाया जो इतना जल रहा। पहलवानी दिखाने की क्या जरूरत थी, बॉक्सिंग करेंगे। मना किया, मत कर मत कर मत कर, मगर करेंगे साहब। आखिरी 10 रुपए थे वो भी हराम में गए, कड़की में आटा गीला कर दिया यार। अरे मैं तो रंजीत को 1 सेकंड में गिरा देता, वो तो मेरा पांव फिसल गया था। पांव फिसल गया, मार खाया कहते हुए शर्म आती है क्या। अरे तुझे क्या मालूम, वो तो मेरा पांव फिसल गया था, गर्दन में झटका आ गया था। यहाँ तू जानता है यहाँ एक नस होती है, वो दब जाए तो आदमी बेहोश हो जाता, नहीं तो मैं तो रंजीत के बच्चे की छुट्टी कर देता। कम वक्त बड़ा याद आ रहा। तेरे पास हर बात का जवाब है, तेरे जैसा फेंकू नहीं देखा मैंने आज तक। अच्छा मेरे बाप, तेरा पांव फिसल गया था, गर्दन में एक नस होती है, वो दब जाती है तो आदमी 6 महीने तक बेहोश हो जाता है, लेकिन आप में गेंडे जैसी ताकत है इसलिए आपको फौरन होश आ गया, ये ठीक है। हाँ ठीक है, ये कर लेना, मत कर लगा तो खुश हो जाता। चलिए लेटिए लेटिए। एक दिन उस साले रंजीत को बात मारूंगा। प्रिंसिपल को मस्का मार रहा था पास होने के लिए। हाँ पास होने के लिए दिमाग चाहिए जो आपके पास नहीं है। अरे क्या कर रहा है यार। चले आते हैं दिमाग ले। अरे यार तू क्यों उलझता ऐसे आदमी के साथ। एक दिन मारूंगा लल्लू को, बहुत मारूंगा। चल पेज 20 नाउ। सर सर, रंजीत कॉपी कर रहा। रंजीत रुक रुक रुक, मेरे जा किधर जाता है नाचा, मेरे चोरों के राजा जालिमा रे। रुक मेरे जा किधर जाता है नाचा, मेरे चोरों के राजा जालिमा रे। रुक मेरे जा किधर जाता है नाचा, मेरे चोरों के राजा जालिमा। रुक हम भी तो है जानी, तेरी चाहत के मारे हुए, खब
शर्माए क्यों, इतना तो नपन प्यारे हारे हारे, हम भी तो है जानी तेरी चाहत के मारे हुए, घबराए क्यों शर्माए क्यों, इतना तो नपन प्यारे, जरा देख पलट के जो दूंगा हाथ उलट के, तो खा जाएगा झटके डाल मारे, रुख मेरी जान किधर जाता है ना जा, मेरे चोरों के राजा डाल मारे, कि तैसी तेरी नाक तोड़ूंगा सर फोड़ूंगा तथ कर दूंगा ऐसी तेरी, हारे हारे ऐसे अकड़ेगा तो सालिम, ऐसी कि तैसी तेरी नाक तोड़ूंगा सर फोड़ूंगा गत कर दूंगा ऐसी तेरी, बड़े दिन का राजा बजाया रोग का बाजा, तो सुर से सुर मिला जा डाल मारे, रुख मेरी जान किधर जाता है ना जा, मेरे चोरों के राजा डाल मारे, रुख मेरी जान किधर जाता है ना जा, मेरे चोरों के राजा डाल मारे, रुक ए रुक 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 सर्वो सर एक ग्लास पानी मिलेगा, बहुत प्यास लगी है। गोपाल आया? गोपाल आया? गोपाल आया? अरे तुम लोग खामखा घबरा रहे हो, भगवान का नाम लो सब पास हो जाओ। क्या बात करते हैं यार, तेरे को घबराहट नहीं होती? कहीं तू फेल हो गया तो? अगर मैं फेल हो गया तो यूनिवर्सिटी ना बंद करवा दूं। एक जमाने की बात है, इंग्लैंड में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने मेरे पिताजी को फेल कर दिया और मेरे पिताजी के पिताजी ने यूनिवर्सिटी बंद करवा दी। अभी तक यूनिवर्सिटी बंद है, आज तक कोई नहीं गया अंदर। चल चल, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी तो अभी तक चल रही है। अरे मैं असली यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, आजकल जो चल रही है वो नकली है। झूठ बोले गौआ का दे। मोटू सेकंड क्लास, लल्लू सेकंड क्लास, निशा फर्स्ट क्लास, राजा बोल बोल फर्स्ट क्लास, गोपाल किधर है? ओ सॉरी सेकंड क्लास। राजा इसी बात पे पार्टी हो जाए। पार्टी पार्टी तुम सब मेरी तरफ से पार्टी। हाँ पार्टी, नहीं नहीं पार्टी कैसे हो सकती है, जो मैंने इंतजाम किया, मैंने तो परसों फोन करके कह दिया था कि एरोप्लेन भेज दो, हम सब आ रहे हैं। ये कौवे आज कहाँ चले गए? शायद हड़ताल। लेकिन पापा ने जो इंतजाम किया उसका क्या होगा? पापा, लेकिन मेरे इंतजाम का क्या होगा, मेरा एरोप्लेन तो एरोड्रोम पे आके खड़ा है। ओहो तो वापस चला जाएगा, क्यों निशा का दिल तोड़ रहा है? आज की पार्टी निशा की तरफ से, तुम्हारी फिर कभी हो जाएगी। लेडीज राजा प्लीज मान जाओ ना, राजा राजा प्लीज। हाँ तुम कहती हो तो मान जाते हैं, क्यों लेडीज फर्स्ट। आइयो ओके, मैं तुम सबका 8 बजे इंतजार करूंगी। बाय बाय। मजा आएगा यार। ओके बाय बाय। राजा एक बात और है, शाम को ये सफेद पोशाक पहन के मत आना, कुछ रंगीन सूट वूट कलरफुल वगैरह वगैरह। देखो हमारे गुरु का ये कहना, जिनसे मैं तलवारबाजी सीखा करता था, एक्सक्यूज मी, उन्होंने ये कहा था कि रंगीन कपड़ों में मैल छुप जाता, इंसान का चरित्र उसके सफेद कपड़ों से, सफेद कपड़ा सुबह पहना अगर शाम तक वैसा ही रहे तो इंसान का दिल सच्चा है, वो आदमी साफ है। बोलो क्या ख्याल है इस कौवे के बारे में आपका? क्या ख्याल है? ये बड़ी देर से आपको काटने के लिए तरस रहा है। ये क्या आदमी है यार? यार राजा तेरे कपड़े तो एकदम खराब हो गए, शाम को पार्टी में कैसे आएगा? अरे कपड़ों की फिक्र मत करो, घर जाकर बदल लूंगा, 52 जोड़े हैं अपने पास, 52। अरे निशा जी पापा,
निशा बेटी, ये लोग कुछ खा नहीं रहे। कुछ खाओ ना राजा। वो क्या हो गया, अचानक हमारे मैनेजर साहब आ गए लंदन से। ताजमहल होटल जाना पड़ा गोपाल, और हमने पेट भर के खाना खाया ना गोपाल। तो फिर पार्टी में आने की क्या जरूरत थी, नहीं आना था? कैसे नहीं आते, अरे पार्टी में तो आना चाहिए, यहाँ लोगों से मुलाकात होती है, जरा गपशप होती है, आने का तो एक बहाना होता है ना अंकल। हाँ क्यों नहीं। अरे गुप्ता जी हमारे, एक्सक्यूज मी। हेलो मिस्टर शर्मा। ये यहाँ क्या कर रहा, तुम्हें से बुलाया? नहीं, पापा ने बुलाया होगा। अरे भाई गुप्ता, ये देर से आने की आदत नहीं गई तुम्हारी? हाँ वेरी सॉरी शर्मा जी। अरे भाई हम तो कभी के आगे होते, मगर मेरा बेटा रंजीत फर्स्ट क्लास पास हो गया है। कांग्रेचुलेशन माय बॉय। कहने लगा डैडी पहले मंदिर चलेंगे बाद में पार्टी में। अच्छा अच्छा अच्छा। अरे भाई ये तो हद से ज्यादा धार्मिक हो गया है, जब तक सुबह सुबह भगवान के दर्शन नहीं करता, नाश्ता तो क्या पानी तक नहीं छूता। बहुत अच्छी बात बेटे, आप क्या करने जा रहा था? अरे भाई मैंने तो कहा अपना कारोबार। अंकल वो नया नया हूँ, तजर्बा नाम को नहीं, अगर आपके चरणों में कुछ दिन रहने का मौका मिल जाए तो मैं। ऑफ कोर्स, कल से दफ्तर आ जाओ। थैंक यू। अरे भाई वो अपनी बेटी निशा कहाँ है? यही कहीं होगी, अभी बुलवाता हूँ। अरे आप क्यों तकलीफ करते हैं रंजीत, जाओ जरा निशा को तो बुला के लाओ। जी डैडी। एक्सक्यूज मी अंकल। निशा मेरी बात तो सुनो, तुम तो मेरी बात नहीं समझती हो, मुझे बोलने तो दो। अरे मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। अरे तुम लोग भी तो 10 दिन के लिए बाहर जा रहे हो, और मैं भी तो सिर्फ 8 दिन में आ रहा हूँ, और आना ही पड़ेगा, क्या करूँ, कंपनियाँ खोलनी है, फैक्ट्रियाँ खोलनी है, लाखों का बिजनेस है, करोड़ों का खर्चा, यू नो इट स्वीटी, यू नो इट। देखो राजा, तुम मुझसे फैक्ट्री और कंपनियों की बातें मत किया करो। मैंने तुमसे कई बार कहा है कि तुम इतने अमीर हो, इसलिए मैंने तुमसे ये नहीं किया है। क्या नहीं किया है? मजाक मत करो राजा, अगर तुम जल्दी वापस नहीं आए तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। अगर जल्दी आ गया तो फिर ठीक है। क्या ठीक है, इनाम क्या मिलेगा? वो बाद में देखा जाएगा। बाद में नहीं, अभी बताओ ना। ये गाल भी ना। हेलो राजा भैया। हेलो, हाउ आर यू? निशा, तुम्हारे डैडी तुम्हें याद कर रहे हैं। राजा मैं अभी आई हूँ। और आपसे मैं ये कहने आया हूँ कि आप निशा से जितना दूर रहेंगे उतना ही आपकी सेहत के लिए बेहतर होगा। क्योंकि अगर तुम निशा का यूं ही पीछा करते रहे तो मैं तुम्हारे हाथ पांव तोड़वा कर तुम्हें किसी गंदी नाली में फेंकवा दूंगा। कोई बात नहीं बेटे, एक दिन मेरा भी वक्त आएगा, उस दिन बहुत मारूंगा। तू जब उसको मारेगा तब मारेगा, मगर आज तूने मुझे भूखा मार दी। क्या क्या चीजें थी वहां खाने को, कुछ नहीं खाने दिया। मैनेजर साहब के साथ ताजमहल में खाना खा लिया। तू पेट का बड़ा कच्चा यार, जरा से खाने के लिए कुत्ते कितना भौंके जा रहा। पेट का कच्चा अच्छा होता, तेरी तरह जबान का कच्चा अच्छा नहीं होता, जो मुंह में आए बक देता है। चल किधर दे ये वाली जेब में 8 आने नहीं, 8 करोड़ की फैक्ट्री खोल रहा। आपने कभी ठंडे दिल से इस बात पर गौर किया है कि आप दिन भर में कितने बंडल मारते हैं? इसमें क्या हुआ, किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचाता, किसी से कुछ छीनता तो नहीं, हकीकत क्या यह हम जानते हैं। और फिर अपने दिल बहलाने के लिए कुछ छोटे मोटे बंडल मार भी देता हूं तो इसमें बुराई क्या है? बोलने वाले को अच्छा लगता, सुनने वाले को मजा आता कि वाह किस रहीस से बात करने का मौका मिला। अगर सच्चाई बता दी कि हम गरीब हैं, कम मेरी एक बहन है, मौसी है जो अपना पेट काट कर मुझे पढ़ा रही है, तो सीधे मुझे कोई बात नहीं करेगा। ये तो मुझे भी मालूम है यार, लेकिन क्या आप जिंदगी भर ये नाटक करते रहेंगे? सारी जिंदगी क्यों, एक दिन अपना भी आएगा, जब हम सचमुच के बड़े आदमी बन जाएंगे तब माल ही माल होगा। साबुन लगाना, चुटकी नहीं बज रही। आपके पास कहीं भगवान का टेलीग्राम आया था? मेरे यार ये शरीर जरूर किसी गरीब का है, लेकिन इसके अंदर जो आत्मा है वो एक राजा की है। अरे गोपाल, इतना माल आएगा कि रखने के लिए जगह नहीं मिलेगी, और जानते हो तब तेरे लिए एक शानदार कपड़े की मिल बना दूंगा। नाक पोंछने के लिए रुमाल नहीं है, कपड़े की मिल बनवा देंगे। तू मेरी बातें याद रखेगा एक दिन? जा यार बंडलबाज। गोपाल क्या बात है भाई, यादा लड्डू मुझे देना। सूंघ लिया आपने, भूख मुझे भी लगी है ना। ले भाई आधा लड्डू तू भी ले यार। ये गल हुई ना गोपाल। आप क्या बात है भाई, हमारा प्लेन क्या बजे उड़ने वाला? आपका बोइंग 707 वीटी स्टेशन से 12 बजे। बस बस
होम स्वीट तो क्या होता है? घर मीठा घर। मैंने देखो मैं कैसे निकल आऊंगी, मैंने कैसे की जाएगी, कैसे की जाएगी, फौलादी हाथ है फौलादी। अरे पूरी बंबई के बॉक्सिंग का चैंपियन, एक बार रंजीत को जो रख के दिया चपड़ा अंदर 32 बार। अच्छा ये रंजीत कौन है? है एक पोकल पहलवान, रोज मुझसे मार खाता। अरे बेचारा। अच्छा कुकू भैया मैं चला। अच्छा ए मासी। कुकू मासी, अरे मेरे बेटे, मेरा राजा कुकू बेटे। हाँ। कितना दुबला हो गया तू। कौन मैं? हाँ। मासी कितनी बार कहा कि चश्मे का नंबर बदलवा लो लेकिन तुम सुनती नहीं हो। पिछली बार गांव में हाथी आया तो कहने लगे किसका गधा है। आज मुझ जैसे हट्टे कट्टे आदमी को देखकर कहती है कितना दुबला हो गया मेरा बेटा। तुम फिक्र मत करो, जैसे मेरी नौकरी पक्की हो जाएगी ना, लंदन से चश्मा मंगवा कर दूंगा पूरे 15,000 रुपए का। बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, तू बहुत बड़ा आदमी बन जा, अपनी बहन के हाथ पीले कर दे बेटे, उसका घर बसा दे। मौसी कब इंतजाम कर दिया, मेरा एक दोस्त है कपड़ों की मिल का मालिक है। अच्छा हाँ। अरे मौसी राज करेगी मेरी बहन, अरे बहन मेरी राज करेगी, राज। हाँ लाला। हाँ भाई, सोचा तुम शहर से डिग्री लेकर आ रहे हो, मुबारकबाद देता चलूं। कौन जाने कल तुम लोगों से इस घर में मुलाकात हो या ना हो। क्या मतलब? अरे कुछ नहीं रे, ऐसे ही मजाक करने की आदत है इस लाला की। मौसी मैं मजाक नहीं कर रहा, आज मैं बिल्कुल गंभीरता से बात करने आया हूँ। अच्छा अच्छा लाला, तू पेड़ी पर चल, मैं और मासी आकर वहीं बात कर लेंगे। अब सिर्फ बात से काम नहीं चलेगा मालती। मुझे भी तो कोई बताए आखिर बात क्या है। मैं बताता हूँ। नहीं मैं बताती हूँ, पिछले दिनों मैं बहुत बीमार पड़ गई थी, बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, इसलिए शहर से डॉक्टर बुलाना पड़ा, दवा दारू में बहुत खर्च हो गया, मेरे पास तो कुछ पैसे थे नहीं, इसलिए लाला से लेने पड़े। क्या भक्ति हो मौसी। लाला इस वक्त मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, भगवान के लिए खामोश रहो। अच्छी बात है, ए, चलो लेकिन जाने से पहले मेरी एक बात सुन लो। तुम मेरे साथ चलो ना लाला, मैं तुम्हें बार तक छोड़ाती हूँ। मैं भी आई कुकू। हाँ लाला, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, कुकू के सामने पैसों की बात मत करना तुम। अरे मगर मेरे पैसों का क्या होगा? धीरे बोलो ना। 3 साल हो गए तुमने मकान गिरवी रखा है मेरे पास, कौन चुकाएगा मेरे पैसे? मैं चुका दूंगी लाला, पाए पाए चुका दूंगी मैं। अरे तू कहाँ से चुकाएगी, कहाँ से लाओगी इतना रुपया? अगर तुम्हारे पास पैसे होते तो मकान गिरवी रखकर भाई को पढ़ाने की क्या जरूरत थी? लाला सब हो जाएगा, तुम इस समय यहाँ से चले जाओ, कहीं कुकू ने सुन लिया तो उसे बहुत दुख होगा लाला। सुनो एक ही रास्ता है, जब तक ब्याज के पैसे नहीं चुकाती हो मजदूरी करने चली आया करो, जो भी रुपया मिलेगा ब्याज खाते में कटवाती जाओ, समझी? अच्छा अच्छा लाला जाओ। चल बेटा लग जा लाइन पे, बीए की डिग्री हुई तो क्या हो गया? अब मजा आएगा। सुवर के बच्चे सारे काम चोर, सारे मजदूर वहाँ काम कर रहे हैं और तू यहाँ छुप कर बैठा था। मुझे बात करना मारता क्यों है? तेरी तो बकवास करता है, मारो साले को। देख 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 लाला, मैं कहता बहुत बुरा होगा, वापिस बुला ले अपने आदमियों को। लाला के मुंह लगा, मारो रही साले को। तो तेरा शरीफ बच्चा अपने घराने की इज्जत मिट्टी में मिलाने यहाँ क्यों आया था? मेरे लिए,
वो नहीं चाहता था कि उसकी बहन सड़कों पर मिट्टी डालती फिरे। तो सीधा काम क्यों नहीं करता, यहाँ छुप कर क्यों बैठा था? अरे बैठा था तो क्या हुआ, अपने इन कुत्तों से पिटवा कर जान लेगा क्या? आज तो तूने छुड़ा दिया, अगर आइंदा ऐसी हरकत की तो सचमुच जान ले लूंगा। अरे चाचा तू क्या जान लेगा, अगर अपनी माँ का दूध पिया है तो हाथ लगा कर देख, बढ़ तो आगे बढ़। चाल हट बुढ़िया, ज्यादा चिल्ला मत वरना तबीयत खराब हो जाएगी। मेरी नहीं, आज तेरी तबीयत जरूर खराब कर दूंगी, वो दिल कहीं का भाड़े के टट्टू लाकर धोख जमाता है। अरे चल हट, फूट बेटा मालती, उठ चल बेटा। ए मासी चल, कल तक अगर मेरे पैसे नहीं मिले तो देखना फिर। बकवास बंद कर, तुझे पैसे चाहिए ना, ये ले ले ये पैसे। सिर्फ 100 रुपया? ये तो एक महीने का ब्याज हुआ, बाकी क्या होगा? वो भी मिल जाएंगे, देख लूंगा। ए चलो। देख लेगा, क्या देख लेगा तू? अरे बेटे रोते नहीं, मैंने कहा था ना मैं अभी जिंदा हूँ, तू चिंता क्यों करता है? बेटे मेरे पास एक जमीन है, उसे बेचकर तेरा घर छुड़वा दूंगी। नहीं नहीं मासी, नहीं नहीं नहीं। क्यों बेटे, मेरे किस काम की? मेरे जीते जी अगर तुम्हारे काम आ जाए तो इससे बढ़कर मेरे लिए खुशी की बात और क्या हो सकती है बेटे? नहीं मौसी नहीं, ये सब कुछ मुझे करना चाहिए, मैं बिल्कुल बेकार हूँ, निकम्मा हूँ, सब पर बोझ बना हुआ, हकीकत छुपाता हूँ, दिन रात सपने देखता हूँ। अरे सपना देखता है तो इससे बुराई क्या है, सपने नहीं देखेगा तो पूरे कैसे होंगे? लेकिन तेरी बेवकूफी ये है, लोग पढ़ लिख कर शहर जाते हैं और तू पढ़ लिख कर गाँव आया है। जा वापस शहर चला जा, कुछ कर, बड़ा आदमी बन और अपनी अपनी बहन को अपने पास बुला ले। एक आदमी भागा हुआ है, मुझसे टकरा, उसके हाथ से पटुआ गिर गया, मैं समझा उसका है, मैं उसे देने जा रहा था। ओहो हो, चलो 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 कहीं के अकल के अंधे, हाँ मखा गलत आदमी को पीट दिया, कहीं चोट तो नहीं आई बेटा? आ भी जाए तो क्या फर्क पड़ता, जिनकी तकदीर में रोजी नहीं लिखी वो चोट खा के ही वक्त गुजार लिया करते। बात तो बहुत अच्छी कही बेटा, लेकिन इंसान को ना उम्मीद नहीं होना चाहिए। क्या ढूंढ रहे हो? मेरे खीसे में बीए की डिग्री थी, पता नहीं कहां चली गई। डिग्री? यही है? जी हाँ। कोई ठिकाना है? मेरे साथ आओ, आओ आओ आओ, आ जाओ बेटा। तुम्हारी दास्तान सुनकर बहुत दुख हुआ, लेकिन बेटा अगर दुख ना हो तो आने वाले सुख का आदमी मजा भी नहीं ले सकता। वत इज्जो मंतशा वत जिल्लो मंतशा, इज्जत और जिल्लत दोनों अल्लाह के हाथ में है, लेकिन तू फिक्र मत करो बेटा, अल्लाह पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। चाचा
आप यहाँ इस? हाँ हाँ बेटा, इसी खंडर में रहता हूँ, इसलिए कि यह हमारे खानदान की आखिरी निशानी है। बुजुर्गों ने इसे शुरू किया था जो बाप दादा के गलत कारनामों की वजह से पूरा ही ना हो सका, लेकिन मेरी दिली तमन्ना है कि मैं इसे जरूर पूरा करूं, और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये खंडर एक दिन जरूर आलीशान महल बन जाएगा। आओ बेटा, हाथ धो लो, खाना खा लो। नहीं चाचा, मुझे भूख नहीं है। धो लो बेटा, धो लो। मैं सच कह रहा हूँ चाचा, मुझे भूख नहीं है बिल्कुल। कस्तूरी की महक और भूखे का चेहरा छुपाए नहीं छुपता। बैठो बैठो बैठो। ये बर्तन सिर्फ मेरा है, मगर इसमें रखे हुए खाने पर तुम्हारा नाम लिखा हुआ है। शुरू करो। चाचा आप? मैं नमाज पढ़ने के बाद खाऊंगा। बिस्मिल्लाह करो। अरे अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है कि आज ये बदनसीब भी किसी के काम आ सका। लो चाय पी लो। चाचा मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, कल रात मैं पूरा खाना खा गया, मुझे बहुत भूख लगी थी। तो क्या हुआ, वो तुम्हारा हक था और मेरा फर्ज था। जल्दी से मुंह हाथ धो लो और चलो धंधे पर। धंधे पर? हाँ। कौन सा धंधा? खाली डब्बे बोतल खरीदना और बेचना। लेकिन चाचा ये तो अनपढ़ लोगों के लिए, मेरे पास तो बीए की डिग्री है, भूल गए? आपने देखी थी, आपके पांव तले आई थी। डिग्री? ठहरो, डिग्री देखना है? ये देखो, मेरी एमए की डिग्री। एमए की डिग्री? और आप? एमए और ये धंधा? डिग्री लेकर बेकार रहने से अच्छा है मेहनत करके हलाल की दो रोटी कमाना। दैट्स डिग्निटी ऑफ लेबर, यू अंडरस्टैंड माय बॉय? बेटा राजा, आदमी आज के जमाने में अपना पेट खुद पाल ले वही राजा होता है। आओ मेरे साथ। ये गल हुई ना। बाटली वाला इधर आओ उपरो। अभी आता हूँ। चल बेटा राजा, अल्लाह का नाम लेके धंधे की बोनी का डाल। चाचा लेकिन मुझे तो ये लेन देन मालूम नहीं है। अरे तो इसमें क्या है, खाली बोतल का धंधा है, और इसको तो मैं अच्छी तरह पहचानता हूँ। जैसे ही तू ऊपर जाएगा ना, तो ये 50 पैसे बोलेगी, तू 5 पैसे से शुरू हो जाना। वो बोलेगी ये कोई चोरी का माल है। अच्छा बाबा 10 पैसे ले लो। ना ना, जे लेना है तो 40 पैसे दे, वरना फूटे थो तो। अच्छा बाबा फूटता हूँ, तुम 15 पैसे ले लो। ना 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 ना, देख आखिरी बार 30 पैसे दे। अच्छा आखिरी बार 20 पैसे। एंड कर, न तेरा ना मेरा, तो 25 पैसे दी गल। ये गल हुई ना बहन जी। बहन जी, बहन जी किनू कह रहा है? अजय से मेरी शादी भी नहीं हुई। ला निकाल निकाल, छेती कर छेती कर, दे 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 वे दे। हेलो चाचा, आपका पैंतरा बिल्कुल फिट बैठा, जैसे आपने कहा वैसे ही हुआ। शाबाश बेटा, आप तो कर सकते हो नहीं धंधा? बिल्कुल। तुम्हें शर्म तो नहीं आएगी? धंधे में काय की शर्म चाचा। बरखुरदार, तुम्हारे पास बीए की डिग्री जो है
चाचा अगर शर्म आई तो उसे ये सोचकर भगा दूंगा कि अपने चाचा के पास तो एमए की डिग्री है। अच्छी बात है, ये लो पता, शाम को इस पते पर पहुंच जाना, मैं तुमको बोतल बेचना भी सिखा दूंगा। अच्छा मैं चलता हूँ। कहाँ चले? धंधे पर। और क्या, अब तुम अकेले धंधा करोगे? अकेले? चूना पुराना डब्बा। क्या बात है? चूना पुराना डब्बा बाटली। चूना पुराना डब्बा बाटली। ए डब्बा बाटली वाला ऊपर आओ। ए डब्बा बाटली वाला, ए डब्बा बाटली वाले ऊपर आओ। ए डब्बा बाटली वाला। ये गल हुई ना, तुम्हारा भाई कुकू। एक घंटे की किटकिट और सिर्फ दो बोतलें, जिनके मुंह भी अपनी तकदीर की तरह टूटे हुए, ऊपर से आठ आने मांगता, पीता है सैकड़ों रुपए की और चार आने की बोतल को अपना घाटा समझता। मुझे लगता है महंगाई से खा गई। जूना पुराना डब्बा बाटली। अरे पर्दे बनवा लो, सोफा कवर चढ़ा लो, डबल पन्ने का कपड़ा 5 रुपया मीटर। अरे पर्दे बनवा लो। पुराना डब्बा बाटली। राजा। गोपाल। राजा। राजा। अरे मेरे यार ये सब क्या है, इतनी जल्दी भूल गया प्यारे? तूने कहा था ना कि तू मुझे कपड़े की मिल खुलवा कर देगा। तेरी इमेज को पूरा करने के लिए मैंने ये धंधा शुरू कर दिया, लेकिन तेरा क्या चक्कर है? चक्कर? दिन भर चूना पुराना डब्बा बाटली और रात को बीए की डिग्री की पूजा करता। अच्छा तो आजकल आप सच बोलने भी लग गए हैं। बिल्कुल। अच्छा राजा तू रहता कहाँ प्यारे? राजा कहाँ रहेगा? बोल बोल कहाँ रहेगा? महल में। फिर शुरू, तू नहीं मानेगा रे। बिल्कुल सच कह रहा हूँ चाचा, जरा दो चालू चाय मारना। हमारे मेहरबान है सुलेमान चाचा, डब्बे बाटली वाले हैं एमए, उनके खंडर महल में रहता हूँ। खंडर महल? ये कहाँ भाई? जम्बूर में आरके के पीछे। तुझे नहीं पता चलेगा, पूरा दिन काम करने के बाद शाम को यहाँ आना, मैं ले चलूंगा। नहीं यार, शाम की गाड़ी से मैं गांव जा रहा हूँ माँ को लेने के लिए। क्यों? माँ की तबीयत अक्सर खराब रहती है, देखभाल करने वाला कोई है नहीं, तो मैं अपने साथ ला रहा हूँ। मैंने घाट के ऊपर में कमरा लिया किराए पे। गाँव से आने के बाद मुझे मिल लेना, मैं अक्सर शाम को यही होता हूँ। अच्छा यार कुछ भी कह, कॉलेज की बड़ी याद आती। वो यार दोस्त मिला कोई? वो मोटू, वो साला मुश्ताक है, कोई नहीं। निशा मिली? मौसी और मालती कैसी? तू कुछ पैसे वैसे भेजता कि नहीं उनको? आज ही पहला मनी ऑर्डर भेजा है। तू भी दिया, कक्कू भैया ने कमाई शुरू कर दी, अब तो बहुत खुश होना। ये लो। उसको संभाल के रखना, इसमें कक्कू भैया का पता लिखा है। हाँ मेरी मालती, भगवान ने चाहा तो अगले महीने इससे दुगना भेजूंगा। अपना और मौसी का ख्याल रखना, तेरा कुकु। यूं ही ब्याज चुकाती रहोगी तो एक न एक दिन सारा उतर जाएगा। नहीं नहीं लाला, ये पैसे मत लो, मौसी की तबीयत बहुत खराब है, दवा दारू के लिए पैसे चाहिए। ये तो प्यार, तू और भी ले सकती है, मकान भी छोड़ दूंगा, लेकिन तू पहले शादी के लिए हाँ तो कर। लाला क्यों नाराज हो रही है? मान जा बात, खाम खा तकलीफ उठा रही। अरे इतना रुपया रखा है मेरे पास कि कोई दूसरा खाने वाला नहीं, सब तेरे ही काम आएगा। सुन, सुखी लाला के साथ बहुत सुखी रहोगी तुम। लाला तुम चले जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारे पैसे पर थूकती तक नहीं। हेलो मिस्टर शर्मा। अरे गुप्ता जी आज आप टाइम पे कैसे, आप तो हमेशा के लेट आते। पैसा आ गया, गाड़ियां खरीदी, लेकिन गाड़ियां रखने की तमीज नहीं आई। राजा, ईशा, मैं जानता हूँ तू मुझे इस लिबास में देखकर हैरान हो रही होगी, है ना? हैरान की तो इस बात की हो रही है कि वो तुम्हारा प्यार एक खेल था, तमाशा था, जो कॉलेज के साथ ही खत्म हो गया। नहीं नहीं ईशा, मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना मरते दम तक करूँगा। तो फिर तुम उससे मिले क्यों नहीं? इतने दिनों तक कहाँ गायब हो गए थे? Why didn't you ring me up? मैं वो 5 करोड़पति साहब,
आप ये समझते हैं कि ये लिबास पहनकर आप फर्स्ट प्राइज जीत जाएंगे? इम्पॉसिबल। फर्स्ट प्राइज जीतेंगे हम और हमारी बिटिया निशा। क्यों गुप्ता जी? बिल्कुल शर्मा जी, चले चले परेड का टाइम हो गया। कम राजा, कम ऑन, लेट्स गो। फर्स्ट प्राइज तुम ही जीतोगे। कम ऑन राजा। को गिरफ्तार करके हमारी अदालत में पेश किया जाए। अरे 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 अरे, ये क्या कर रहे हो? अरे छोड़ो मुझे, अरे छोड़ो। मैजान साहब, साला खबाड़े, इससे सोगन दिलाओ। गीता पे हाथ रख के सोगन खाओ। लेकिन अंकल ये सब नो अंकल। राजा, इस पे इतना सीरियस होने की क्या जरूरत है? ये तो खेल है, कम ऑन। गीता पे हाथ रख के सोगन खाओ। मैं गीता की सोगन खाकर कहता हूँ, जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। कौन हो तुम? साहिब, डब्बा बाटली वाला हूँ। अरे ओ डब्बा बाटली वाला, ये गरीबों का भेष बनाकर तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? कैसे हुई? Yeah!
बोतल बोतल बेचे लोगों पैसा आना पाई पाटली वाला ए, लेकिन मेरे दिल की कीमत ऊंची मेरे भाई मेरी अमीरी दुनिया समझ न पाई। देखो जी माल के पुजारी दौलत के भिखारी सच कहूँ सब ये पैसे वाले क्या हुआ यारो गरीबी के हम पाले हैं दिल के राजा है दिल वाले हैं। मर्दों का फर्स्ट प्राइज तो तुझे मिलेगा। बिल्कुल डब्बा बाटली वाला लग रहा है। लग रहा है क्या? अरे मैं तो सचमुच का डब्बे बाटली वाला हूँ। बना बना और बेवकूफ बना। अरे ये राजे रजवाड़ों की तो आदत ही है, बनाकर फकीरों का हम बेज गालिब, तमाशा अहले करम देखते हैं। यही तो दुख की बात है मेरे यार। कल तक मैं झूठ बोला करता था तो लोग सच मानते थे, आज सच बोल रहा हूं लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं। ये शरीर जरूर किसी गरीब का है। रहने दे मेरे बाप, रहने दे। अगर तुझ जैसे गरीब से मैनेजर साहब ने हम लोगों को बातें करते देख लिया ना तो हम दोनों दुखी हो जाएंगे। चल मोटू काम पे लग जा। अच्छा पैरे ऐसे ही मिलते रहना। हाँ
लेकिन मर्दों का फर्स्ट प्राइज तो तुझे मिलेगा। बिल्कुल डब्बा बाटली वाला लग रहा है। लग रहा है क्या? अरे मैं तो सचमुच का डब्बा बाटली वाला हूँ। बना बना और मेरे को बना। बनाकर फकीरों का हम बेज गालिब, तमाशा अहले करम देखते हैं। अजी मैंने कहा आप कौन से देश की भाषा बोल रहे हैं? आपने तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, हमारे देश की भाषा बोलिए हिंदी। वियोग का वायुमंडल है, त्याग की लहरें हैं, नवृत्ति का राग है, प्रवृत्ति का प्रेग है, संतोष का भय है। अजी ये हिंदी तो हमारे प्रोफेसर भी नहीं समझ सकते, ये तो हमारे बाप दादाओं के जमाने की हिंदी है। आज की भाषा बोलिए हिंदुस्तानी चालू भाषा। ओके बॉस। मेरे आका आज से 20,000 साल पहले। अरे मेरे काका 20,000 साल पहले क्या हुआ था इसे बाद में बताना, मुझे नीचे उतारो, कहीं मेरा पांव फिसल गया तो मैं 6-7 जन्म के लिए एक साथ मर जाऊंगा। प्लीज मुझे नीचे उतार दीजिए प्लीज।
ओके बॉस। जरा संभाल के। थैंक यू। तो आज से 20,000 साल पहले मेरे आका, मेरे काका, आपके इस रूप से हमें बहुत डर लगता। छोटा बनिए तो मानू। ओके बॉस। अरे अरे मेरे काका कहाँ हो? मेरे काका, काका वो है। अरे आज 20,000 साल पहले। अरे मेरे काका, इतना छोटा बनने के लिए किसने कहा था? किसी के पाँव के नीचे आ जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी। जरा बड़े बनिए हमारे साइज के, नॉर्मल साइज। कमान 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 कमान। बस 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 बस। ये गल हुई ना। अब बताइए आप चीज क्या? आप खाम का हाथ धोकर मेरे पीछे क्यों लगे? आप कोई जादूगर हैं? आइए बैठिए, तशरीफ रखिए, एक्सप्लेनेशन दीजिए। मेरे आका। बोल मेरे काका। मैं जिन हूं। आज से 20,000 साल पहले मेरी शरारतों से तंग आकर मेरे चाचा ने मुझे एक बोतल में बंद कर दिया। मैं 20,000 साल तक उस बोतल के अंदर रहा। फिर मैंने कसम खाई कि जो भी मुझे आजाद करेगा मैं 1 साल तक उसकी सेवा करूंगा। अब मैं आपका गुलाम बनकर आपके साथ रहूंगा मेरे आका। अरे नहीं यार, जाने दो। यहाँ पर अपने खाने के वादे, आपको कौन खिलाएगा? मैं कुछ नहीं खाऊंगा, लेकिन मैं जाऊंगा भी नहीं। मैंने तो कसम खाई है, मुझे तो आपकी सेवा करनी है। आप कुछ भी कर सकते हैं। जी हाँ, एक काम करेंगे। हमारे जो चाचा है ना, मेहरबान सुलेमान एमए, हाँ, उनकी एक तमन्ना थी, वो पूरी कर दीजिए। कहिए। इस खंडर को महल बना दीजिए। अभी लीजिए, लेकिन आपकी चेतावनी के लिए, फॉर योर इन्फॉर्मेशन, एक बात याद रखिएगा, मैं संडे को यानी कि रविवार को यानी कि एतवार को काम बिल्कुल नहीं करता। क्यों? आप लोगों की कोई यूनियन है? तो बना दूं महल से? हाँ बना दो। हाँ लेकिन एक मिनट, सिर्फ अंदर से, बाहर से नहीं, नहीं तो इनकम टैक्स वाले हमें अंदर कर देंगे। मेरे चाचा के यहाँ भी एक दफे रेड हुई थी। पहले मकान। तो आइए। ये है वो खंडर। अब ले लीजिए मेरे आका। वो मेरे काका। बोल मेरे आका। ये लड़कियां किस लिए हैं? ये सब सुलेमान चाचा के आराम के लिए हैं। अरे तुम्हें मालूम नहीं, हमारे सुलेमान चाचा बड़े नमाजी हैं, अगर उन्हें देख ले तो हम दोनों की पिटाई हो जाएगी। ओके बॉस। अब ये काले काले आदमी तलवार पकड़े यहाँ क्या कर रहे हैं? ये सुलेमान चाचा के बॉडी गार्ड। जब बॉडीज नहीं तो गार्ड की क्या जरूरत है, इन्हें भी दफा करो। ओके बॉस। हाँ ये गल हुई ना। अब तो आप खुश है ना मेरे आका? अरे आपने तो कमाल कर दिया। मैं भी खुश और हमारे चाचा भी खुश। आप जाइए। थैंक यू वेरी मच। कहाँ जाऊँ मेरे आका? मुझे तो 1 साल तक इस घर में आपका गुलाम बनकर रहना है मेरे आका। लेकिन मेरे काका, मुझे गुलाम की जरूरत नहीं है, अभी तो मैंने आपको आजाद भी कर दिया। अब आप जाइए ना, प्लीज गो। नहीं मेरे आका, 1 साल तक ना मैं आजाद हो सकता हूँ ना आप कर सकते हैं। मुझे बहुत नींद आई है, मैं सोता हूँ जाकर। आप भी सो जाइए ना मेरे आका। आप कहाँ सोएंगे? मैं? शब्बा खैर मेरे आका, अब आप भी सो जाइए, रात काफी बीत गई है। बड़े कमाल की चीज। वाह।
या अल्लाह, ये पुराना मकान रात भर में महल कैसे बन गया? क्या मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा हूँ? ख्वाब नहीं चाचा, करिश्मा है, ये सब इन्हीं का कमाल है। ये कौन है? ये जिन है। जिन? अरे वाह! कल रात मेरे हाथ से एक बोतल टूटी, उसी में से निकले। अरे बेटा, हमारी दादी हमको जिन्नत की कहानियां सुनाया करती थी, आज देख भी लिया। अरे ये बड़े काम की चीज है। नहीं चाचा, ये बड़ी अजीब चीज है। साल भर यहाँ रहने की कसम खाई, अब आप ही संभालिए, मैं चला। तू जा, धंधे पे जा, मैं इसे संभाल लेता हूँ। जा जा। अस्सलाम वालेकुम चाचा मिस सुलेमान। आई वालेकुम सलाम, जन्नतुल मुकाम दोज़खुल हराम। शुक्र खुश गुलाम, मेरे आका गए किस मुकाम? इंसान है पेट का गुलाम, इसलिए गए अपने काम। काम? एक मिनट। बोल, सुबह का सलाम कबूल कीजिए मेरे आका। है? इसको क्या हुआ? डर गई आपकी इस पोशाक से। पोशाक से? जी हाँ, जाके अपना हुलिया बदली कीजिए। हुलिया? ये लीजिए। सुबह का सलाम फिर से कबूल कीजिए मेरे आका। क्या कहा कबूल करूँ? मेरी सुबह की ऐसी की तैसी कर दी, अच्छी वाली बोनी हो रही थी, नुकसान करवा दिया। कैसा नुकसान? दिखाई नहीं देता बोतल का क्या हाल हुआ? आपको बोतलें चाहिए मेरे आका? आप हुक्म कीजिए, मैं करोड़ों बोतलें पेश करता। बाबा, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, मेरा पीछा छोड़ दो, धंधे का टाइम है, घर जाओ। ये आपका हुक्म है? जी हाँ, मेरा हुक्म है। नाउ गो होम फॉर गॉड से। मेरे आका, आज आपको इतनी बोतलें मिलेंगी, इतनी बोतलें मिलेंगी। ए जिना पुराना बाटली, ए जिना पुराना बाटली। साहब, यही आदमी जिसने सारी ड्रामे को जाम किया हुआ है। इसको पुलिस चौकी ले चलो। चलो ए, चलो चलो हटो। आइए चाचा, शाम की खबरें देख लें। देख लें? टेलीविजन पे। आज पुलिस ने एक ऐसे गोदौन पे छापा मारा जहाँ चावल में कंकड़, आटे में भूसा, शक्कर में प्लास्टिक, हल्दी में पीला रंग और मिर्च में ईंट मिलाकर जनता को बेची जाती थी। आज बम्बई में एक अजीब घटना घटी। नागपाड़ा के चौरस्ते पे एक आदमी ने लाखों बोतलें जमा करके ट्रैफिक जैम कर दिया। पुलिस ने उस आदमी को अपनी हिरासत में ले लिया है। अरे ये तो अपना राजा है। ये क्या क्या आपने? मेरे आका को बोतलें चाहिए थी, मैंने बहुत सारी बोतलें दिलवा दी। बोतलें दिलवा दी का पकड़वा दिया। चलो पुलिस स्टेशन चलो। तुम साहब के सामने कोई गड़बड़ नहीं करना। हाँ सलाम साहब। साहब, आप क्या राजा नाम का कोई लड़का कैद है? कैद है, लेकिन लेकिन तुम लोग कौन हो? मैं उसका चाचा हूँ। और मैं उसका मामू। बताइए किस बोतल में बंद कर रखा है आपने मेरे आका को? बोतल? इंस्पेक्टर साहब, राजा बहुत शरीफ लड़का है, उसे छोड़ देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। सॉरी, जब तक ऊपर से हुक्म ना आ जाए या 10,000 रुपए जमानत के तौर पे ना भर दिया जाए, उसका छोड़ देना नामुमकिन है। बस 10,000 अभी लीजिए। जिनी बैंक, गारंटेड बाई जिनी बैंक, 10,000। ये क्या मजाक है, ये नहीं चलेगा। है? नहीं चलेगा? कैसे नहीं चलेगा? देखिए, ये
क्या चाल है। अबे ये क्या कर रहा है, दोनों अंदर हो जाएंगे। ठहरो चाचा, अभी तो मैं ऊपर से हुक्म भी लाता हूँ। घंटी। हेलो हेलो हेलो, इंस्पेक्टर शर्मा यहाँ। कमिश्नर स्पीकिंग। यस सर। राजा कैदी आपके पास है? जी हाँ जी हाँ, उसके दो रिश्तेदार भी आए हैं। छोड़ दीजिए उसे। जी छोड़ दूँ? उन बोतलों के टुकड़ों ने स्मगलिंग की गाड़ियों को पंक्चर कर दिया। हम उनके एक बहुत बड़े गैंग को और लाखों के माल को पकड़ने में बहुत कामयाब हुए। जी यस सर, अभी छोड़ता हूँ। हवलदार, बाटली वाले को छोड़ो। यस सर। ओ बाटली वाले, चलो बाहर। बेटा मेरे आका, शाम का सलाम कबूल कीजिए। शट अप। चलो 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 चलो। लेकिन आप मुझ पे नाराज क्यों होते हैं? मैं तो आपकी मदद। किसने आपसे कहा था मेरी मदद करने के लिए? हाँ मैं आपको आखिरी वार्निंग देता हूँ। लेकिन बेटा, अगर ये तुम्हारी मदद करना चाहता है तो तुम्हें इनकार क्यों है? निशा और उसके पिता को किसी दिन तुम्हारी असलियत का पता चल गया तो? किसी दिन? मैं अभी इसी वक्त जाता हूँ और उन्हें अपनी असलियत बताता हूँ, वरना ये हजरत किसी दिन वहां पहुंच जाएंगे और सारा मामला चौपट कर देंगे। लेकिन सुनो तो सही। ओफो, अरे चाचा ये निशा क्या चीज है? भाई निशा एक लड़की है जो इसके साथ कॉलेज में पढ़ती है। ये उसे प्यार करता है और आज तक उसके सामने अपने अमीर होने का बंडल मारता रहा। अब अगर ये इसने जाकर कह दिया तो सब चौपट हो जाएगा। चौपट। नमस्ते अंकल। नमस्ते नमस्ते। हाँ बेटे। अंकल मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। हमें मालूम है तुम हमसे क्या कहना चाहते हो। जी यही कि तुम एक मामूली गरीब आदमी हो। तुम्हारे पास कुछ भी नहीं और तुम डब्बा बाटली का धंधा करके अपना पेट पालते हो। राइट। लेकिन आपको कैसे मालूम हुआ? हमें सब मालूम है। गरीबी के ढोंग से तुम हमें बना नहीं सकते। हमें सब बता दिया तुम्हारे मामू ने। मामू ने? देखिए अंकल ये। अच्छा अच्छा, तो शर्मा जी याद रखिएगा, आज रात को ताज में आप हमारे मेहमान हैं। मेरी बात तो सुनो ना। मेरी बात तो सुनो। अरे घर जाकर तैयारी करते हैं। अंकल अंकल मेरी बात तो सुनो। अंकल गुड गुड। शाम को रंजीत को भी साथ ले चलो। ओ नो पापा। व्हाई? बचाओ 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 बचाओ। मेरे आका, मैं बिल्कुल निर्दोष हूं। तेरे आका की क्या बोलूं, आज आका रहेगा या काका। मेरे आका, मैंने जो कुछ भी किया आपकी भलाई के लिए किया। अरे अरे अरे, अरे ये सब क्या तमाशा है? क्या बात है राजा? चाचा मैं गया था निशा के घर अपनी असलियत बताने और ये मुझसे पहले वहां पहुंच गए मेरे मामू बनकर। मामू नहीं, मामू। शट अप। चाचा मैंने उनसे कहा कि आप हमारे बुजुर्ग हैं, हम सब मिलकर रात को ताज में बात पक्की कर लेंगे। कौन सी बुरी बात की मैंने? ये तो बहुत अच्छी बात है। एक पंदो का हम लोग तेरी शादी की बात भी कर लेंगे और तू अपनी असलियत भी बता देना। क्यों बेटा? बिल्कुल। विल यू शट अप? बुजुर्गों की बात मान लिया करते बेटा, चलो। लेकिन लेकिन चाचा, हम इस हालत में इन कपड़ों में ताज कैसे जाएंगे? क्यों नहीं जा सकते मेरे आका? अभी लीजिए। सुभान अल्लाह, कमाल कर दिया तुमने। क्या हाँ कमाल कर दिया, नमूने लग रहे हैं। इस तरह जाएंगे ताज? बदली करो इसे, हरी अब कमाल। ओके बॉस। चलिए चलिए। गाड़ी क्यों रोक दी? ताज आ गया। ताज कहाँ? ताज या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने इस गरीब की ताज देखने की तमन्ना पूरी कर दी। चाचा अरे वाह, कमाल हो गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन आपको ताज ये लाने को किसने कहा था?
निशा के पिताजी ने फरमाया कि रात के 9 बजे ताजमहल में मिलेंगे। वाह वाह वाह, मेरे काका कभी तो अकल इस्तेमाल करनी चाहिए। उन्होंने ताजमहल होटल कहा था जो अपोलो बंदर पे है। ये ताज नहीं, इसे फौरन यहाँ से निकालिए वरना पूरी दुनिया में तहलका मच जाएगा। मेरे आका, आपको जो निशा से बातचीत करनी है ना, आप वो कर लीजिए। रात के 12 बजे ये अपने आप यहाँ से गायब हो जाएगा। लेकिन मेरे काका, निशा और उसके पिताजी तो हमारा ताजमहल होटल में इंतजार कर रहे हैं। लेकिन वो आपके बुजुर्ग सुलेमान चाचा नहीं नजर आ रहे। वो यही कहीं नमाज पढ़ रहे होंगे। आप तब तक शरबत नोश फरमाइए या बन्नास। निशा, तुम्हारे डैडी मुझसे नाराज तो नहीं हुआ? नहीं, लेकिन ये सब क्या है? ये ताजमहल है। लेकिन ताजमहल तो आगरा में था। जी हाँ, कल तक आगरा में था, आज बम्बई में है। मजाक मत करो ना, बताओ ना ये सब क्या है। मुझे खुद मालूम हो तो बताओ ना, ये सब इन्हीं की तो मेहरबानी। किसका? तुम्हारे मामू का? हाँ, तुम्हारे मामू की। नहीं नहीं नहीं, हमारे मामू की। कमाल है राजा, चलो अंदर चलते। हाँ चलो। अंकल, शरबत असली नहीं लगता, इसमें जरूर कुछ मिलावट है। मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। हमें फौरन यहाँ से चले जाना चाहिए। खुशामदीद, खुशामदीद। आप लोगों ने कुछ खाया? शरबत ही शरबत खा रहे, और तो कुछ दिखा नहीं। अभी लीजिए, अभी लीजिए। या अल गुलाम। ऊंट? ये वो ऊंट है जिसके पेट में 500 साल से बकरा पकड़ा है, और उस बकरे के पेट में कुए काफ की मुर्गियां बासमती चावल के साथ पक रही हैं। बड़ी लजीज चीज है, जरा चख के देखिए। 500 साल पुरानी मुर्गियां? अंकल, फूड पॉइजनिंग हो जाएगा। हाँ, हमें खिलाकर मारना चाहते हो? हाँ, हटाओ हटाओ हटाओ। जय बन्नत। ये लीजिए, ये लीजिए। वाह ये लीजिए। ये क्या? बैंगन? जी नहीं, ये बगदाद के अंगूर हैं। अंगूर इतने बड़े? हटाइए से। आपको कोई छोटी चीज चाहिए? ये लीजिए। ये क्या है? ये तरबूज है। बड़े हटाइए से। आपको कोई बड़ी चीज चाहिए या बंदा? ये लीजिए, ये लीजिए। इसे कहते हैं बड़ा सर। ये तरबूज है चांद के टुकड़ा? हटाइए से, हम कुछ नहीं खाएंगे, हम सिर्फ शरबत खाएंगे। अंकल, यहाँ तो सब लफड़ा ही लफड़ा है, मुझे तो निशा भी नजर नहीं आती। रंजीत, तुम जल्दी जाओ, निशा को ढूंढ लो, हम यहाँ से निकल जाएंगे। जाओ। आप यहाँ कैसे? आप कहाँ जा रहे हैं बर्फदार? मैं निशा को ढूंढने। अरे उसे रहने दो, वो राजा के साथ बातें कर रही है। राजा के साथ बातें कर रही है? मैं भी उसे लेकर आता। अरे नहीं बर्फदार, तुम मुझसे बातें करो ना। मैंने कहा मेरे रास्ते से हट जाइए वरना। वरना वरना चोरी हो गया। पुलिस, पुलिस। पुलिस तो मैं खुद हूँ। फिर जहरात की चोरी देखी, गाय भैंसों की चोरी देखी, महलों की चोरी नहीं देखी। मेरे 30 साल के कैरियर में आज तक ऐसा नहीं हुआ। मैं पब्लिक को क्या मुंह दिखाऊंगा? हेलो, यस, हेलो हेलो, ताजमहल साहब। व्हाट? मेरा मतलब है कमिश्नर साहब। यस, हवलदार रोनकी राम सर। क्या है बोलो सर? ताजमहल चोरी हो गया। क्या? ताजमहल चोरी हो गया?
जी मैं ठीक कह रहा हूँ, दिल्ली, अहमदाबाद, गाजियाबाद, देहरादून, मैंने सब जगह फोन किया मगर उसका कोई ट्रेस नहीं मिलता सर। लगता है तुम नशे में हो, मैं तुम्हें डिसमिस कर दूंगा। सर अगर मेरी बात का यकीन नहीं आता तो आप खुद आकर देख लीजिए विद योर ओन वंडरफुल आइज सर। तुम वहीं ठहरो, मैं आता हूँ। जी मैं तो ठहरा हूँ लेकिन ताजमहल नहीं ठहरा। आंखों से देख लीजिए ताजमहल वहां नहीं है। अरे
व्हाट नॉनसेंस, ये क्या है? अरे मगर सर, जब मैंने देखा तब नहीं था। अपने साथ मेरा भी दिमाग खराब कर दिया। थोड़ी देर के लिए तो मुझे भी लगा कि ताजमहल नहीं है, मगर सर वो जब शट अप, अगर दोबारा ऐसी बेहुदा खबर दी तो डिसमिस कर दूंगा। आज तुम रात भर यहाँ पहरा दोगे, समझे? यस सर। फिर कोई ताजमहल चुरा के ना ले जाए। अंकल, अंकल उठिए, अंकल। ताजमहल कहाँ है? ताजमहल मेरा हाथ। निशाना अंकल, निशा वो देखो कि सीने पे सरक के सो रही है। तीन जादूगरों के चक्कर में फंस गए। निशा उठो, निशा उठो। पापा, पापा की ऐसी तैसी दूंगी, ताज में पार्टी देंगी, 500 साल पुरानी मुर्गी, इतने बड़ा बड़े अंगूर, इतने छोटे छोटे तरबूज। अरे पान खाए सैया हमारो, अरे शर्मा जी पान खाएंगे, ब्लडी तेरा तो पान खाने। काका ताजमहल कहाँ है? ताजमहल हाँ, सही सलामत 12 बजे अपने घर पहुँच। लेकिन चाचा कहाँ है? चाचा, चाचा आगरा। हाँ? सुभान अल्लाह, शहंशाह शाहजहां तुम लाजवाब हो, तुम अजीम हो, अल्लाह ताला तुम्हें करवट करवट जन्नत नसीब करे। गोरखा जी, गोरखा जी। क्या कहा गोरखा? तू शायद हवलदार रौनक राम को नहीं जानता। रौनक राम जी, ये जगह कौन सी है और चेंबूर की बस कहाँ से मिलेगी? चेंबूर मियाँ, ये बम्बई नहीं, आगरा है। आगरा? आगरा? हाँ आगरा, यहाँ का पागल खाना और ताजमहल दोनों मशहूर है। मगर ताजमहल तो बम्बई में था। बम्बई में? तुमने ताजमहल चुराया? अरे मगर, चलो खाने। अरे मगर मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ, मेरा नाम सुलेमान है, बम्बई का बच्चा बच्चा मुझे जानता है। कल से आगरा का बच्चा बच्चा भी पहचानेगा। कहिए चाचा, ताजमहल पसंद आया ना? पान खाइए, पान। पान के बच्चे, अभी बताता हूँ, इस उम्र में मेरे मुंह पे कालक लगवा दी। लेकिन मैंने क्या? मुझे आगरे पहुंचा के हथकड़ी लगवा दी। मैंने नहीं आते। और प्यार कीजिए और सर पे चढ़ाइए। एक दिन अगर हम दोनों को सूली पर ना चढ़ा दिया तो मेरा नाम बदल देना। जब से आया मुसीबत में मुसीबत पैदा किया जा रहा, ना जाने निशा और उसके डैडी मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। जाने क्या फूक के मिला दिया, आगरे का ताजमहल बम्बई में नजर आने लगे। क्यों रंजीत? जी हाँ अंकल, कितना गंदा माहौल था। हबशी गुलाम, मिस्री रकासाएं, छी छी छी, मैंने तो मारे शर्म के अपनी आंखें बंद कर रखी। रंजीत ठीक ही कह रहा वो। और हाँ अंकल, वो मुर्गी 500 साल पुरानी थी, एनी टाइम आपको खिला के मारना चाहते थे वो। हाँ, बोलो, अब बोलो। लेकिन पापा, मुझे पता तो लगाने दीजिए। कोई जरूरत नहीं पता लगाने की, जितना पता लगना चाहिए था उससे ज्यादा पता लग चुका है। मैं उनकी सूरत नहीं देखना चाहता। बिल्कुल नहीं देखनी चाहिए अंकल, लोग तो सोते में सपना देखते हैं, उन्होंने आपको जागते में सपना दिखा दिया। जरूर कोई चरस गांजे का धंधा करते हैं वो। जरूर करते हो। ओ पापा, यू लफंगा, मिडिल क्लास का चापलूस, मेरी बेटी से शादी कर। रंजीत जी, अपने बच्चे को फौरन आके मुझसे मिले, एक बहुत जरूरी बात करनी है। बहुत अच्छे अंकल, जरूर भेज दूंगा, एनी टाइम। ये तो अच्छा हुआ भाग गया, अगर कहीं पुलिस ने ढूंढ निकाला तो मुसीबत आ जाएगी। चाचा मैं कहता हूँ अभी भी जाने दीजिए। नहीं बेटा, वो अपने भले ही के लिए तो करता है, अगर इसमें कुछ उल्टा हो जाए तो उस बिचारे की क्या गलती है। अरे चाचा बहुत अच्छा हो गया आप लोग आ गए। उस रोज आपके साथ एक मोटा आदमी आया था, कल रात न जाने कहां से आके लॉकअप में घुस गया, कहता है उसने कोई गलत काम किया जिसकी वो सजा भुगतना चाहता है। हम सबकी लाख कोशिशों के बावजूद भी वो अपनी जगह से टस से मस नहीं होता। चाचा आप मेरे साथ आइए, प्लीज आइए आइए। देखिए ये मोटा कब से यहाँ धंधा जमाए बैठा है, भगवान के लिए इस मुसीबत को यहाँ से ले जाइए, बड़ी मेहरबानी होगी चाचा। बेटा, मामू, एक घर चलिए ना। मैं नहीं आऊंगा। बस अब हो गया, गुस्सा थूक दे। मैं नहीं थूकूंगा, एक तो हमेशा मुझे मारते रहते हैं, ऊपर से कहते हैं गुस्सा थूक दे। मैं क्या मांगता हूँ आप लोगों से, सिर्फ प्यार ही मांगता हूँ। मेरे पैदा होते ही मेरी माँ मर गई, मेरी माँ के मरने के 5,000 साल बाद मेरे अब्बा भी गुजर गए। इतनी छोटी सी उम्र में माँ बाप का साया सर से उठ गया, 30,000 साल तक बोतल में कैद रहा, सारी जिंदगी तकलीफों में गुजारी। आप लोग अच्छे लगे इसलिए आप लोगों से प्यार करने लगा, और आप लोग प्यार के बजाय मुझे छोटा समझ के हमेशा मारते रहते, डांटते रहते।
नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। मेरे काका, हमारी बात तो सुनिए। मैं नहीं सुनूंगा। अरे इतना बड़ा हो के रहता है, शर्म भी नहीं आती। ये क्या मुसीबत है चाचा, प्लीज इन सबको बाहर निकालिए, बड़ी मेहरबानी होगी। उठ बेटा उठ, बात मान लिया करते हैं। ए काका, हम आपसे वादा करते हैं कि आज के बाद आपसे कोई कुछ नहीं कहेगा। वादा? वादा। प्रॉमिस? चल चल चल। एक बात बोलूं? बुरा मत मानिएगा, जब तक आपको कोई काम करने के लिए ना कहा जाए तब तक मत कीजिएगा, प्लीज मत कीजिएगा, वरना सब उल्टा सीधा हो जाता है। देखो ना, जब से आप आए एक नए पैसे की कमाई नहीं। लेकिन मेरे होते हुए आपको काम करने की क्या जरूरत है मेरे आका? मेरे काका, जरूरत है। कुछ लोगों की मुझ पे जिम्मेदारियां हैं और मैं ही उन लोगों का एक सहारा। मैं चाहता हूं मैं खुद मेहनत करके हर महीने उन्हें रुपए भेजूं। मालती बहन, कुक्कू भैया का कौनो समाचार आया? रामू, काम मौसी, तू मेरा एक काम करेगा? अरे तू हुक्म कर मौसी। किसी को बताए बिना चुपचाप इसे गाड़ी पे चढ़ा दे, ये अपने भाई के पास शहर जाएगी। तू हमरे मुंह की बात छीन लियो मौसी, हम यही कहे के लिए तेरे पास आए रहे। लाला जो है ना, लाला की नजर हमें ठीक नहीं लगती मौसी। चल बहन, सफर की तैयारी कर। लेकिन मौसी। मौसी जो कहती है सो ठीक कहती है, तुम चिंता मत करो मौसी, हम संजा के तांगा लेकर आते हैं। अच्छा मौसी, चल तैयारी कर। चल। अच्छी तरह जानते हैं, हम सब साथ में ही तो काम करते हैं। अच्छा, ये मेरे भैया है, मैं इन्हीं को ढूंढ रही थी। देखिए आप लोग मुझे उन तक पहुँचा दीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। इसमें मेहरबानी कैसी बहन जी, आइए हम अभी आपको कुकू के पास पहुँचा देते हैं। ए टैक्सी वाला, जैसे आप कुकू की बहन वैसे आप हमारी बहन, बैठिए। मामू नहीं यार, मामू। अच्छा भाई, मामू। मामू, मामू। मजाक उड़ा था मेरा क्या? नहीं जी, ये तो कहता था मेरी बहन और मौसी के अलावा इस दुनिया में मेरा और कोई है ही नहीं, तो फिर ये मामू कहाँ से टपक पड़ा? मामू टपकता नहीं है कपड़े वाले, आ जाता है। मामू मामू, ये मेरा दोस्त है, कॉलेज में साथ में पढ़ा करता था, इसका नाम गोपाल है। और मैं हमेशा इसे वादा किया करता था कि एक दिन इसे कपड़े की मिल खुलवा दूंगा। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, कहिए तो आप भी। नहीं मामू नहीं, चाय पियो चाय पियो चाय पियो। भांजा तो बंडल ठोकता ही था, मामू भी शुरू हो गई। आओ बहन आओ, यही कुकू भैया का मकान है, कुकू भैया यहीं रहते हैं। आप यहाँ बैठे आराम से, हम आपके लिए चाय बना के लाते हैं। चल शामू चाय बना के लाएं जल्दी से। अरे वाह, क्या मकान है कुकू भैया का। भैया का नहीं, सैया का। लाला मालती गांव छोड़ देने से लाला से पीछा नहीं छूट सकता। बुलबुल तुझे पाने के लिए शहर तो क्या हम जहन्नुम तक भी आ सकते। मालती तू यहाँ कैसे? वो तूने तेरे पास भेजा था और इस कमीने के आदमी मुझे यहाँ ले आए। लाला तू गांव से शहर जिंदा है, लेकिन शहर से गांव तेरी लाश जाएगी कमीने। अरे ये सब कमी। मालती बहन, हम
मार थोड़े रहो तुमको। अरे बाप रे, क्या कर रहे हो? मर जाएगा मालती, मर जाएगा, छोड़ दो उसको। भैया मालती, मालती रोते नहीं, मालती रोते नहीं। हाँ? ये मेरी छोटी सी मोटी सी प्यारी सी बहन है, गांव में रहती, मालती। मालती मैं तुझे कहा करता था ना कि शहर में मेरा एक दोस्त है जो कपड़े की मिल का मालिक है। मालिक तो नहीं है लेकिन कपड़े वाला जरूर है। इसका नाम गोपाल है, मेरे साथ कॉलेज में पढ़ता था। आमो कैसी है जोड़ी? अति सुंदर। अच्छा बदमाश। ए मेरी प्यारी बहनिया, भगवान तुझे हमेशा खुश रखे। मुबारक हो मालती, कांग्रेचुलेशंस गोपाल। थैंक यू। अल्लाह तुम दोनों को खुश रखे। मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा। थैंक यू। अरे कोहिनूर मिल्स। मामू आपने फिर शुरू कर दिया। आज मैं आपकी एक नहीं सुनूंगा। आप दोनों का मामू और इसका बुजुर्ग, मेरा भी तो कोई हक बनता है। और भूल गए, कॉलेज में वादा किया था कि एक दिन कपड़े की मिल खोल के दूंगा। क्यों? लेकिन लेकिन चाचा आप समझाइए ना, क्या मैंने कोई गलत काम किया? तुमने जिंदगी में पहली बार नेक काम किया। चलो जल्दी चलो, गाड़ी छूट जाएगी। चलो चलो, मैं इन लोगों को स्टेशन छोड़ के आता हूँ। चलो चलो संभाल संभाल के उतर ना भाई। ये बात गाड़ी तो बहुत बढ़िया सजाई है। कहाँ गई थी? पापा मैं पूछता हूँ कहाँ गई थी? राजा से मिलने। मैंने जब मना किया था फिर क्यों गई थी? तो और क्या करती? आप मुझे रंजीत के साथ मरना चाहते हैं और पापा मैं उससे किसी भी हालत में शादी करना नहीं चाहती। आई विल नॉट मैरी हिम। बट why विल यू नॉट मैरी हिम? क्या बुराई उसमें? पढ़ा लिखा है, अच्छा खासा खानदान का है। तुम्हारे झूठे और चासूबी से राजा से हजार गुना अच्छा है। तुम्हारी शादी रंजीत के साथ होगी और ये मेरा आखिरी फैसला है। और हाँ, आज के बाद तुम्हारा इस घर से बाहर आना जाना बंद, समझी? ए, इस लल्लू को गाड़ियों के नीचे इतना कुचलो कि उसकी लाश को पुलिस तक न पहचान सके। एनी टाइम।
को गरम कर दिया मेरे यहाँ का। अरे मैंने सबको भगा दिया। हाँ ये सब साले रंजीत के आदमी। अरे ये रंजीत तो आपको जान से मार डालना चाहता है मेरे यहाँ का, लेकिन उसके हमले का एक तोड़ है मेरे पास। वो क्या? ये लीजिए, इसे पहन लीजिए। ये क्या? पहने तो सही, अब उसे घुमाइए। ये पाताल नगरी का शैतान है मेरे आका। अच्छा ये क्या करता है? अरे ओ आकरा बाकरा डाकरा, बता मेरे आका को तू क्या करता है? अरे वाह वाह, बांध ले कोई। अरे अभी ठीक चला गया। देखिए मैं आपसे कई बार कह चुका हूँ, मैं इस जादू से तंग आ चुका हूँ। एक को सुधारते सुधारते तो थक गया, दूसरा कहाँ से आ गया? अच्छा वाला पोछता वो भी तोड़ दिया है पताल नगरी का। अरे चलिए चलिए घर चलिए, भूख नहीं लगी? भूख हाँ लगी, तो चलिए ना। अरे भूख तो बहुत लगी है। ओ, 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 ओ। सेठ गरम क्यों होते हो? थोड़ा दारू वारू पियो और शांत हो जाओ। अरे वरी ये पीकर तो तुम्हारा बाप बेहोश पड़ा है, पहले हमारा पैसा चुकता करो नहीं तो ये घर खाली करो। अरे मूलचंद दानी सेठ घबराते क्यों? पहले मैं करोड़पति शर्मा जी की बेटी निशा से शादी तो कर लो, बस कुछ ही दिनों की तो बात है, उसके बाद मैं ये घर भी छुड़वा लूंगा और तुम्हारा पैसा भी डबल कर दूंगा एनी टाइम। ठीक है सेठ जी। रंजीत अगली दफा मैं अकेला आऊंगा, अगर सेठ का माल नहीं मिला तो तेरी हड्डी पतली नरम कर दूंगा। अरे बोल दिया ना माल मिल जाएगा सेठ जी, अब आप जाइए। ठीक है चलिए सेठ जी। और ठीक है और नहीं दिया तो बराबर करेगा इसको। रंजीत साले क्या तकदीर पाई है तूने, बहुत जल्द निशा तेरी हो जाएगी। निशा तो नहीं मगर शर्मा जी जरूर तेरे हो जाएंगे, अब वो सुतरी राजा से प्यार करती है। ओ शट अप डैडी, ऐसा चक्कर चलाऊंगा कि निशा राजा से नफरत करना शुरू कर देगी एनी टाइम। मैं जो कहूं वो कर सकते हो? कसम शैतान की जो कहोगे वही करके दिखा सकता हूँ। वेरी गुड, तो फिर थोड़ी देर के लिए मुझे राजा के रूप में बदल दो। अभी किए देता हूँ। ये लो काका। अरे इसमें हंसने की क्या बात? आप पहले आईने में अपनी सूरत तो देखिए मेरे आका। क्यों? देखिए देखिए। ये सब कैसे हो गया काका? मेरे आका ये सब उस अंगूठी का चमत्कार है। कसम शैतान की कमाल हो गया। अरे कमाल है ये शक्ल। अरे, अरे काका तुम हंस रहे हो, ये सब क्या हो रहा है? आगे आगे देखिए होता है क्या। आइए आइए आइए। राजा 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 राजा, डैडी ने मुझे यहाँ कैद कर रखा है ताकि मैं तुमसे न मिल सकूं। वो चाहते हैं कि मेरी शादी इस बदमाश रंजीत से हो जाए, लेकिन मैं उससे नफरत करती हूँ, नफरत। राजा मुझे यहाँ से कहीं ले चलो प्लीज। अंकल ले यहाँ से और मारते मारते कचरे के डब्बे में। मेरी बात तो ले गया अंकल, इनको रोकिए एनी टाइम। एनी टाइम का बच्चा इधर आया तो आप लोग गलत फहमी हो रही है अंकल, पुलिस में दे दूंगा फांसी चलवा दूंगा। बाप रे यहाँ तो बड़ी गड़बड़ चल रही है मेरे काका। आप चिंता क्यों करते हैं मेरे आका, हिम्मत कीजिए और सीधे पहुंच जाइए निशा के पास। अब मैं आपको वहीं मिलूंगा। ले जाओ इस बदमाश को। अरे रंजीत अंकल अंकल ये राजा है, मैं हूँ रंजीत आपका फेवरेट। ये पागल है अंकल, आज मुझे राजा कहता है कल निशा कहेगा। तुम छोड़ो इन सबको, तुम बचाओ, निशा बहुत घबराई हुई है, तुम उसका दिल बहलाओ। दिल बहलाने के लिए तो आया हूँ अंकल। फेंक दो उसे कचरे के डब्बे में।
निशा तुम फिर यहाँ चले जाओ यहाँ से। तुम लाख कोशिश करो मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। मैं राजा से प्यार करती हूँ और मरते दम तक उसी की रहूंगी। ये गाल हुई ना, क्या बात की है, देर भर खून बढ़ गया। ये आवाज तो कौन है तुम? वही जिसका शरीर जरूर किसी गरीब का है मगर आत्मा एक राजा की है। ये तो राजा की आवाज है। शरीर भी राजा का ही है, सिर्फ थोपड़ा बदल गया। लेकिन ये यकीन नहीं आता, अभी बताता हूँ। कहो है? बोलो मेरे आका। जरा इनको अपने दर्शन कराइए। ओके बॉस। मामू आप? मामू नहीं, मामू। लेकिन इनको क्या हो गया मामू? कुछ नहीं, अभी बताता हूँ। ये गाल भी ना। लेकिन राजा ये सब क्या है, मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा। मेरे काका समझाइए ना। शर्मा रहे निशा, ये जो है ना ये मामूली आदमी नहीं है, ये जिन है। जिन? क्या जिन? हाँ। उस दिन वो जो ताजमहल देखा था ना, वो ये लेकर आए थे। क्या इतना बड़ा ताजमहल ये उठाकर लाए हैं? आई डोंट बिलीव इट। मेरे काका जरा दिखाइए अपना करिश्मा। ओके मेरे आका। निशा ये मेरी तरफ से एक छोटी सी भेंट। ये इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो कोई भी मामूली जादूगर कर सकता है। हमारे यहाँ गोगिया पाशा वो भी यूं ही करते हैं, गिली 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 गिली। आका मैं दिखाऊं उसे बिली 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 बिली? हाँ दिखा दो मेरे काका। अरे इसमें घबराने की क्या बात है, ये तो हाथी है। हाथी मेरे साथी। बाबा मुझे डर लगता है। ओहो ओ मेरे काका, मेरे आका, लड़की को डर लगता है। श्री गणेश जी फिर कभी बता दिएगा। श्री गणेश जी फिर कभी। अब ये लीजिए। बोलो तुम्हारा गोगिया पाशा कर सकता है ये सब कुछ? नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। बहार के दिन कैसे आए, बेमौसम बहार के दिन कैसे आए, इन बाहों में प्यार से तुम जैसे आए। चलो रे Thank you.
जाके मिल जाए गले। के बच्चे, अब मैं निशा से शादी करके तेरे सारे हिसाब चुका दूंगा। साले, दूसरों का हिसाब बाद में करना, पहले मेरे सेठ का चुकता कर। मैं अभी तुम्हारा हिसाब चुका देता हूं। इस उल्लू के पट्टे को अपनी ताकत पर बहुत नाज है, ये जहां से आया है इसे वहीं वापस पहुंचा दो। Any time! बचाओ, बचाओ, सब चुपता करो। नहीं छोड़ जाओ, बचाओ, नहीं। ये रंजीत बड़ा ही 420 आदमी है, ये आज भी पैसे नहीं देने वाला। आज पैसे नहीं दिया तो रंजीत को लाके तो पटक देगा। वो जो हम क्या बोला, पटक दिया ना। अरे ये तो वही अपना राज जंग है,
तुमको किसने आके पटका? अरे वो रंजीत का बच्चा बड़ा जालिम आदमी है, उसने एक पहलवान पाल रखा है, उसने मुझे इतना मारा कि सीधा यहाँ गिरा। ये साला रंजीत का बच्चा पक्का मुआली आदमी है, पैसा मांगने जाओ तो मारने को आता है। चलो शर्मा जी के पास चलते, चलो। हम ठीक बोलते हैं, वो बहुत मुआली आदमी है, पहले 50,000 रुपया खा गया है, उसके बाद दादागिरी बताता है। ये देखो नमूना, इसका क्या हालत बना, आधी पासी तोड़ दिया। बंद करो, मैं कहता हूँ बंद करो, बंद करो, ये शहनाई वाला गोली मार दूंगा। शर्मा जी, शहनाई क्यों बंद करवा दी? ये तो अच्छे शगुन की निशानी है। अच्छे नहीं, बर्बादी के शगुन की निशानी है। उठाओ ये सजावट, ये शादी नहीं होगी। ओ पापा। हाँ बेटी, ये शादी नहीं। मेरी आंखों पे पर्दा पड़ा हुआ था, तू मुझे रोज मना करती थी और मैं नहीं मानता था। ओ पापा। अरे हाँ बेटी, ये देख, ये है रंजीत के कर्जदार, उसके गुनाह और काली करतूतों के गवाह। अगर ये लोग वक्त पे मुझे आगे ना करते तो मैं अपने हाथों तेरी जिंदगी बर्बाद कर चुका होता। नहीं पापा, तू मुझे माफ कर देना, पर तू फिक्र मत कर, तेरी शादी होगी इसी मंडप में और राजा के साथ। सच पापा? हाँ बेटी। तुम या अंकल, मैंने सोचा बारात तो आ चुकी होगी, दूल्हे को भी पहुंच जाना चाहिए एनी टाइम। तुम्हारे यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? अंकल, ससुराल में आने के लिए हिम्मत की क्या जरूरत है, आई कैन कम एनी टाइम। तेरा ससुराल कौन सा है, अभी बताता हूँ तुमको। राजन कुमार सिंह दिसूजा, धक्के मार के निकाल दो इसे यहाँ से। इन लुल्लू के पट्टे बारातियों को ठिकाने लगा दो और मेरे प्यारे चचा जान और निशा डार्लिंग को फौरन पाताल नगरी में लेकर पहुंचो। एनी टाइम। मैनेजर, मुंह क्या देख रहा हूं, निकालो इस हफ्ती को यहां से। मिस्टर हफ्ती, मुंह क्या देख रहे हो, चलो निकलो यहां से। अरे Five minutes.
बैंक बैलेंस ले मारो, ले मारो, ले मारो। ले मारो। Le baba. क्या हुआ काका? चलो मेरे आका। हम कहाँ जा रहे हैं? अरे मेरे आका, वो शैतान शर्मा जी और निशा को उड़ा कर ले जा रहा। कहाँ? वो देखिए। जब पकड़ूंगा ठीक कर दूंगा। कहां जा रहे हैं? हम देखते हैं। ये लोग कहाँ गायब हो गए? वो शैतान उनको शैतानों की बस्ती में ले गया है मेरे आका। तो हम लोग यहाँ क्यों रुके? मेरे आका, मेरी सरहद यहीं तक है, मैं आपको वहां तक पहुंचा जरूर सकता हूँ, लेकिन मेरा वहां बिल्कुल जोर नहीं चलेगा। अरे मेरे काका, हिम्मत मर्दा मदते खुदा, चलिए। ये कहाँ फंस गया? ये तो खत्म नहीं हो रहा। मेरे आका, आगे चलकर आपको एक जादुई तलवार मिलेगी, उससे आप शैतान के देवता की गर्दन काट देंगे तो मेरी ताकत फिर से मुझे मिल जाएगी। ये गल है ना। संभल के, संभल के। बाबा एक ही वो रही तलवार। वहां तक पहुंचना तो बहुत मुश्किल है मेरे आका। हिम्मत करे इंसान तो मुश्किल हो जाए आसान। आइए चढ़िए मेरे कांधे पे। ओह, मामूली इंसान बनना बड़ा मुश्किल है। गर्मा गर्म है।
आइए मेरे आका, आप लीजिए, आइए आइए, चिंता मत कीजिए, आइए मिस्टर जुमजुम्बा, मेरी शादी का बंदोबस्त करो जल्दी। पहले मेरे देवता को बलि चढ़ानी होगी। बलि? तो चढ़ा दो इस मोटे की बलि एनी टाइम। Bye.
पा। शुक्रिया मेरे आका। अब देखो तमाशा। अबे ओ शैतान की औलाद, हमारी अंगूठी और हम ही से म्याओ। तेरा अंतिम समय आ गया। अटेंशन। अरिपा 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 अरिपा। तू नहीं बाज आएगा। आका आका हाँ मेरे आका, मुबारक हो शर्मा जी, सुलेमान चाचा मुबारक हो, मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा।